तो इस वीडियो के लिए मेरे पास कितने सारे लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि भाई आप लैब टेक्नीशियंस के बारे में भी कुछ बताओ कि अगर इंडिया में अभी के टाइम पे हमको लैब टेक्नीशियन का काम करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिल जाती है अभी के टाइम पे, रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती है। मैं आपको बताऊँ, कई लोगों ने बेसिकली इसकी डिप्लोमा कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एज अ बैचलर डिग्री ली हुई है, कुछ लोग फ्रेशर भी हैं। तो पूछ रहे थे भाई एज अ फ्रेशर हमको कितनी सैलरी मिल जाती है, कौन सी जगह हमारे लिए बेस्ट है, कहाँ पे सबसे अच्छी सैलरी मिलती है। कई लोगों को बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है, जॉब ढूंढने में दिक्कत होती है, जॉब नहीं मिल पाता है। मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा कैसे आप जॉब आसानी से ढूंढ सकते हो और उस पर कितनी सैलरी मिलती है। बट कुछ पहले रिक्वायरमेंट शेयर कर देता हूँ जो आपको जॉब करने से पहले जरूरत पड़ेगा, वो मैं शेयर कर देता हूँ, फिर मैं आपको सैलरी बता दूंगा, अप्लाई प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अपनी कोर्सेज कंप्लीट कर लिया हो तो आप एक काम करो, कहीं ना कहीं 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस ले लेना। एक्सपीरियंस पे क्या होगा, सैलरी अच्छी मिलेगी और जॉब मिलने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फ्रेशर पे जॉब मिलने में दिक्कत होती है और सैलरी भी काफी कम मिलती है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। अगर हम अप्लाई प्रोसेस की बात करें, देखो रिक्वायरमेंट पहले से फिर अप्लाई प्रोसेस। रिक्वायरमेंट में आप 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस, आपके आइडेंटिटी प्रूफ हो गई, आपका एज लिमिट मिनिमम 19 से कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना, ठीक है। काफी सारी कंपनी 18 के बाद ही लेते हैं बट 19 मिनिमम एज होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। थर्ड है बेसिकली आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन कॉपी है वो चीज जरूरत पड़ती है। अप्लाई प्रोसेस की अगर हम बात करें तो बेसिकली कोई प्रमोशन नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ। Indeed.com हो गया, LinkedIn हो गया, अपना हो गया, Naukri.com हो गई, ये सब मेरे को बेस्ट वेबसाइट लगते हैं। HR का नंबर मिल जाता है, सारी डिटेल्स जाती है, लेकिन एक बात का ध्यान देना, काफी सारे यहाँ पे फ्रॉड्स हैं, तो कोई पैसे मांगे या फिर कैसा चीज करे तो मत देना, ठीक है, ये चीज ध्यान देना, फ्रॉड से ही बचना। सैलरी की अगर बात करें तो सबसे अच्छी जो सैलरी मिलती है वो दिल्ली में मिलती है, लगभग 20,000 रुपए तक एवरेज मिल जाती है। सेकंड पे आता है हैदराबाद, हैदराबाद में भी काफी डिमांड है। अहमदाबाद, मुंबई और नोएडा, यहाँ पे सबसे अच्छी डिमांड है लैब टेक्नीशियंस की, तो यहाँ पे आप काम कर सकते हो, यहाँ पे सब जगह एवरेज सैलरी 18,000 तक मिल जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो हमें कोई डाउट कमेंट करो, बाय बाय।